और आपका आचूर्यम में स्वागत है। आचूर्यम लेकर आज का टाइटल है मोदी सरकार टूल टैक्स के कलेक्शन में कौन से बड़े बदलाव करने जा रही है आसान भाषा में। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक और शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक और शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। चुंगी नाके जिन्हें टोल बूथ्स भी कहा जाता है 90s में उनका रूप थोड़ा सा अलग होता था। किसी नदी पर पुल या रोड के बनने के बाद कुछ लोग एक किनारे पर एक कमरा बना लेते। बांस के डंडे में बंधी रस्सी को खींचकर एक आदमी रास्ता रोकता और कुछ 10-20 रुपए का टोल ले लेता। ज्यादातर चुंगी सरकारी होती थी लेकिन कभी कभी कुछ कलाकार लोग फर्जी चुंगी लगाकर इससे अपनी कमाई का जरिया बनाते। समय बदला, चुंगी नाके टोल प्लाजा में तब्दील हो गए, फिर फास्टैग आ गया और सिस्टम को ऑटोमेटिक और आसान बनाने की कवायद भी हो गई। इसी दिशा में अब अगला कदम है सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम। ये क्या है? सरकार की अगर हम मान लें तो जल्द ही चुंगी नाकों की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ना कोई टोल नाका होगा, ना टोल नाके पर भड़का हुआ कर्मचारी, ना पिताजी की धौंस दिखाता रही ज्यादा। लोग वर्दी की धौंस भी दिखाते हैं, ये भी कहते हैं हम ऐसे हैं, फलाने हैं, जज हैं, बहस करते हैं, और न ही टोल नाकों के वायरल होते वीडियो भी आएंगे। फिर ये सब पुराने वक्त की चीजें हो जाएंगी। फिर क्या होगा? एक सैटेलाइट आपकी गाड़ी को ट्रैक करेगा, गाड़ी कितनी चली उस हिसाब से टोल कैलकुलेट हो जाएगा। हालांकि शुरुआत में टोल प्लाजा और सैटेलाइट टोल दोनों सिस्टम्स काम करेंगे, फिर धीरे धीरे टोल प्लाजा के सिस्टम की पूरी जगह सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ले लेगा। कैसे काम करेगा ये सिस्टम, इससे सरकार की कमाई पर कितना असर पड़ेगा, नए सिस्टम से पब्लिक को क्या फायदा होगा, ये सब समझेंगे इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज आसान भाषा में। थोड़े दिन पहले 2024 के चुनाव पूरे हो गए, सरकार बन गई, मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय फिर से पहुंच गया है नितिन गडकरी के पास और इसके साथ ही उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की शुरुआत कर दी। क्या है ये प्रोजेक्ट? भारत सरकार चाहती है कि टोल टैक्स इकट्ठा करने का पुराना सिस्टम बदला जाए और उसके बदले एक नया सिस्टम शुरू कर दिया जाए जिसे कहा जाता है टोल टैक्स कलेक्शन विद सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन। नए सिस्टम को लागू करने के लिए सरकार ने दुनिया भर की कंपनियों को ऑफर दिया है कि भैया आओ और सैटेलाइट वाला सिस्टम हमारे यहाँ आप शुरू करवाइए। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है, इससे पहले जानते हैं कि पुराने सिस्टम में दिक्कतें क्या थी और इस बदलाव की ज़रूरत क्या है। एकदम शुरुआत से बात करते हैं। आधुनिक टोल बूथ से पहले सिंगल और डबल लेन रोड्स पर चुंगी नाके होते थे और बेहद मैनुअल सिस्टम था जिसमें कोई पारदर्शिता थी नहीं। हालांकि बाद में जब भारत में बड़े बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे बनने शुरू हुए वहां पर ऐसे टोल कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हाईवेज पर कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर टोल बूथ बना दिए गए। बांस के डंडों की जगह बटन से काम करने वाले बैरियर्स आ गए और पैसा देने पर कंप्यूटर से प्रिंटेड स्लिप भी आपको मिलने लगी। ये तरीका काफ़ी सालों तक चला लेकिन इसकी वजह से हाईवे पर गाड़ियों को इंतज़ार करना पड़ता था। किसी टोल पर तो किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइन भी लगती थी। बहुत जगह की ये प्रॉब्लम है। तब साल 2014 में सरकार ने इसका एक और सोल्यूशन निकाला, फास्टैग। जी हाँ, 2014, भले ही ये सिस्टम पूरी तरह से भारत में 2019 के बाद लागू हुआ लेकिन ये टेक्नोलॉजी 2014 से भारत में थी। अब सिस्टम इतना एडवांस हो गया कि दूर से एक मशीन आपकी गाड़ी पर लगे एक बारकोड को स्कैन करती है और आपके बैंक अकाउंट से टोल टैक्स डिडक्ट हो जाता है। इससे टैक्स कलेक्शन की रफ्तार बढ़ी, टोल बूथ पर लाइन लगना कम हुआ, ख़त्म अभी भी नहीं हुआ है क्योंकि कई बार चलता है, नहीं चलता है, पैसे नहीं, बैलेंस नहीं, बहस अभी भी होती है, लेकिन फिर भी पुराने सिस्टम से बेहतर है। आप जाम की बात करेंगे तो फास्ट टैग से चीज़ें फास्ट हुई लेकिन अभी भी सिस्टम में समस्याएं। पहली, अभी भी एक्सप्रेस वेज और हाईवेज पर टोल बूथ की वजह से ट्रैफिक स्लो होता है। दूसरी समस्या, टोल बूथ हाईवे में स्पेसिफिक लोकेशन पर मौजूद होते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति हाईवे पर 20 किलोमीटर चला और जो 50 किलोमीटर चला, दोनों को बराबर टोल टैक्स देना पड़ता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लाना चाहती है। नितिन गडकरी का कहना है कि नए सिस्टम से फास्टैग की दोनों समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कैसे काम करता है नया सिस्टम? नए सिस्टम में सैटेलाइट की मदद से ये पता लगाया जाएगा कि आपकी गाड़ी कितनी चली और फिर उसी के हिसाब से आपके बैंक खाते से पैसा काट लिया जाएगा। यानी इस सिस्टम में तीन चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होंगी। कौन कौन सी? सैटेलाइट, गाड़ी और बैंक अकाउंट। कैसे? अब उसे समझते हैं। असल में हम और आप अक्सर रास्ते की जानकारी के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। असल में ये GNSS की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम।
GNSS कई सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टेलेशन है। जी हाँ, तारामंडल वो वाला कॉन्स्टेलेशन नहीं, सैटेलाइट्स वाला, कई सैटेलाइट्स का ग्रुप जो एक पैटर्न में अरेंज रहता है। अमेरिका का GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और भारत में 2018 में बना नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन भी GNSS के उदाहरण है। सरकार का कहना है कि साल 2025 तक भारत के सभी फोन्स नाविक के लिए कंपैटिबल हो जाएंगे। एक उदाहरण से हम समझते हैं कि GNSS कैसे काम करता है। मान लीजिए आपके पास एक फोन है, फोन में GPS ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर जब किसी एक सैटेलाइट से कनेक्ट होता है तब उस सैटेलाइट के हिसाब से आप धरती के 34% हिस्से में होते हैं तकरीबन। अब अगर आप दो सैटेलाइट से कनेक्ट करते हैं तब आप उन दोनों सैटेलाइट्स के रेंज के इंटरसेक्शन पर मौजूद होंगे, इधर भी रेंज आ रही, इधर भी आ रही। लेकिन अगर आपका फोन तीन सैटेलाइट से कनेक्ट हो तो धरती पर आपकी लोकेशन एग्जैक्टली बताई जा सकती है, ट्राइंगुलेट किया जा सकता है आपकी पोजीशन को। इस तरह GNSS को आपके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, यानी अगर आप दिल्ली में हैं तो GNSS को पता चल जाएगा कि आप 28.7 डिग्री नॉर्थ और 77.1 डिग्री ईस्ट में मौजूद हैं। अब GNSS के लिए ये कोऑर्डिनेट्स आपका पता है, जैसे जैसे आप लोकेशन चेंज करते हैं कोऑर्डिनेट्स बदलते हैं। तीन सैटेलाइट से आपकी लोकेशन का पता लग सकता है, लेकिन अगर एक और सैटेलाइट हो तो न सिर्फ ये धरती पर आपकी लोकेशन बता सकता है, ये भी पता चल सकता है कि समुद्र तल से आप कितनी ऊंचाई पर हैं। यानी कुल मिलाकर 3-4 सैटेलाइट्स अगर हों तो काफ़ी प्रिसाइस लोकेशन मिल सकती है। अब इसके अलावा जितनी सैटेलाइट्स होंगी उतनी बेहतर एक्यूरेसी होगी। जैसे GPS के सिस्टम में 24 सैटेलाइट्स हैं जिससे वो दुनिया भर में 5 मीटर तक की एक्यूरेसी के साथ लोकेशन बताने का दावा करता है। भारत के नाविक सिस्टम में 7 सैटेलाइट्स के बेसिस पे काम होता है, लेकिन इसका फोकस पूरी दुनिया नहीं, भारत और आसपास के इलाके में ही है। सरकार का दावा है कि नाविक की एक्यूरेसी 3 मीटर तक है। इससे आप ये तो समझ गए कि सैटेलाइट्स की मदद से लोकेशन कैसे निकलती है और वो कितनी एक्यूरेट हो सकती है। आप समझते हैं कि ये सैटेलाइट गाड़ी से कैसे कनेक्ट होंगे और बैंक अकाउंट से पैसा कैसे कटेगा। गाड़ी में एक ऑनबोर्ड यूनिट या एक ट्रैकिंग डिवाइस होगा, एक ऐसा डिवाइस जो सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। इसकी मदद से गाड़ी की लोकेशन ट्रैक हो पाएगी। एक सॉफ्टवेयर में हाईवे के कोऑर्डिनेट्स पहले से डले होंगे। इस तरह गाड़ी कितनी चली, किस हाईवे पे चली, आसानी से कैलकुलेट होगा और पर किलोमीटर बेसिस पर टोल टैक्स की गणना भी होगी। अब बैंक अकाउंट से पैसा काटना रह गया तो गाड़ी में लगा ऑनबोर्ड डिवाइस एक डिजिटल वॉलेट से कनेक्ट होगा। ये कुछ कुछ पैसा ही जैसे आपका फास्टैग अकाउंट किसी डिजिटल वॉलेट से ही जुड़ा होता है और फास्टैग का बारकोड स्कैन होते ही पैसा कट जाता है। आप डिजिटल वॉलेट के जरिए ही अपना फास्टैग अकाउंट रिचार्ज भी करते हैं। सैटेलाइट वाला सिस्टम भी ऐसे ही काम करेगा, कनेक्ट होगा ऐप से, है ना? ये तो ही प्रोसेस की बात, लेकिन इससे फायदा क्या होगा अब वो समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा तो ये कि आपको सिर्फ उतना पैसा देना है जितना दूर आपने उस स्पेसिफिक हाईवे पर सफर किया। अभी सब बराबर से टोल टैक्स देते हैं, यानी कोई एक हाईवे पर 30 किलोमीटर चले या 3 किलोमीटर, दोनों में एक ही जितना टोल टैक्स पड़ता है। दूसरा फायदा यह है कि हाईवे पर टोल कलेक्ट करने के लिए जो समय लगता है कलेक्शन एजेंसी को, आपकी गाड़ी भी खड़ी रहती है, वो कम हो जाएगा। पूरी तरह खत्म होगा क्या, ये एक प्रश्न है। अभी एक गाड़ी को करीब 12 मिनट का समय लग रहा है, इस सिस्टम के बाद सिर्फ 47 सेकंड लगेंगे। तीसरा फायदा, इससे फिजिकल टोल प्लाजा की जरूरत कम हो जाएगी। चौथा फायदा, टोल टैक्स की बिलिंग का प्रोसेस आसान हो जाएगा। आपने GNSS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम के फायदे तो जान लिए, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे सबसे पहले चुनौती है सिग्नल और टेक्निकल ग्लिच की। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि GPS में कुछ टेक्निकल समस्याएं आ जाती हैं जिसकी वजह से कभी कभी GPS गलत रास्ता दिखाता है। कई बार दूर दराज के इलाकों में भी सिग्नल और नेटवर्क की समस्या होती है। दूसरा चैलेंज है उपभोक्ताओं की प्राइवेसी। कार ट्रैकिंग सिस्टम और किसी सॉफ्टवेयर से रिलेशन यूजर की प्राइवेसी का प्रश्न खड़ा करता है। साल 2012 में नितिन गडकरी ने लोकसभा में इस कंसर्न के बारे में बताते हुए कहा कि इस सिस्टम को भारत के प्राइवेसी से जुड़े कानूनों को ध्यान में रख के ही बनाया जाएगा। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया था कि तब यानी साल 2022 तक देश में करीब 1,38,000 गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम है। ये संख्या देखने में तो ज़्यादा लग रही है, लेकिन देश में जितनी गाड़ियाँ हैं उनकी संख्या के आगे ये संख्या बहुत कम है। देश में साल 2020 में करीब 32,60,00,000 पंजीकृत गाड़ियां थी। ये डेटा 2020 का है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि GPS युक्त गाड़ियों और देश में मौजूद कुल गाड़ियों में कितना फ़र्क होगा। अब एक सवाल और भी है,
सरकार की आमदनी में सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बाद कितना फर्क आएगा। साल 2023 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 40,000 करोड़ रुपए का टोल टैक्स कलेक्ट किया। नितिन गडकरी ने मीडिया के सामने कई प्लेटफॉर्म्स पर कहा है कि आने वाले 2-3 सालों में टोल कलेक्शन 1,40,000 करोड़ हो जाएगा, लेकिन इस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद टोल कलेक्शन में क्या बदलाव आएगा अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। खैर, आपने टेक्नोलॉजी समझ ली, उसके फायदे और उससे जुड़ी चुनौतियां भी जानी, लेकिन क्या ये सिस्टम सिर्फ भारत में बनने जा रहा है या और भी देशों में उपयोग हो रहा है। सबसे पहले ये सिस्टम अपनाया गया था जर्मनी में। ये सिस्टम रूस और स्लोवाकिया में भी काम करता है। क्या इन देशों में बड़े लेवल पर इंस्टॉल किया गया है? इसके लिए कुछ आंकड़ों को आप देखिए। जर्मनी में सिस्टम तकरीबन 50,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क पर काम करता है, रूस में 51,000 किलोमीटर और स्लोवाकिया में 17,700 किलोमीटर। बहरहाल, ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में कब तक इंप्लीमेंट हो पाएगी ये अभी बड़ा सवाल है। इस विषय पर आगे जो भी जानकारी आएगी हम आपके साथ जरूर बांटेंगे। आपके लिए एक और जानकारी, आपका चहेता शो गेस्ट इन द न्यूज रूम उसके 100 एपिसोड्स पूरे कर रहा है। 100वें एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मशहूर एक्टर नाना पाटेकर। ये एपिसोड 22 जून दोपहर 12 बजे 11 टॉप ऐप पर देखना आप मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी आकाश ने और आप देखते रहिए दी 11 टॉप। 2-4 दिन पहले जो है मैंने जो है वो इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखी थी जिसमें जो है टूल प्लाजा कोई नहीं था, सिर्फ लेंस बनी हुई थी और गाड़ियां जो है वो गुजरती जा रही थी। वो आई गेस दिल्ली के पास, इनके दिल्ली का ही कोई हाईवे था, एंटर हो रहा था दिल्ली में। तो उसमें ये चीज़ जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि भाई जो है ना आपके वो आप पैसे कटते जा रहे हैं, गाड़ियाँ रुक नहीं रही और जो है ना वो सेटेलाइट बेस सिस्टम जो है ये है। नहीं तो उसमें क्या है कि एक जिस तरीके से अभी हम देखते हैं टोल प्लाजा देखते हाँ। हैं तो लाइक आगे कुछ बैरियर लगा होता है, कुछ भी नहीं था तो कहां से स्कैन होता है ये भी नहीं, मतलब मुझे कोई सिस्टम तो होगा ना हाँ। वो गाड़ी के अंदर उन्होंने बताया ना कि ऑटोमेटिक सिस्टम जो हाँ, है ना इस तरह का होगा, कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन पैसे जब आप टोल प्लाजा से एंटर होते हो तो मतलब या एग्जिट करते हो तो आपके पैसे कट हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट से। हाँ, लेकिन मैं मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही कि लाइक ठीक है वो कनेक्ट तो हो गया, सिर्फ गाड़ी में ही सिस्टम होगा, गवर्नमेंट का भी तो सिस्टम होगा ना। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का, जो सैटेलाइट है वो गवर्नमेंट की होंगी ना, तो वो तो होगी। लेकिन बाकी और जो आप कह लो कि ये चीज के अभी एग्जिट है ठीक है ना, वहां पर अब इतने पैसे जो इतनी अमाउंट अब गाड़ी इतनी चली है तो वो वाला सिस्टम भी तो कहीं पर एग्जिस्ट करता होगा ना। गाड़ी के अंदर जो है ना वो ट्रैकिंग सिस्टम इस तरह का जो है वो लगाएंगे कि उन्हें पता चल जाएगा ये गाड़ी हाईवे पे कहां से चढ़ी ठीक है ना, कितने किलोमीटर जो है ये चली और कितना अभी से टोल टैक्स का। हाँ बिल्कुल, ये मुझे सारी समझ में आ गई है, बट मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही कि देखो अब वो एक सैटेलाइट जो है वो कनेक्ट हुआ, अब उसका डेटा कहीं पर तो होगा ना गवर्नमेंट के पास भी। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट उसके लिए रूम्स बनाएगी ना जो उनके कंट्रोल रूम होते हैं। हां वही तो कह रही हूं, कैलकुलेशन भी तो करनी है ना। हां कि वहां से कोई सिस्टम कंट्रोल करेगा तो वो डायरेक्ट पता चलेगा ना कि अब इतनी किलोमीटर गाड़ी जो है वो चल गई। नहीं यार, सिस्टम तो ऑटोमेटेड होगा ठीक है ना। हाँ, जो सिस्टम के अंदर उसे कमांड दे दी जाएगी ना वो जो है वो सारी जो उसकी अंदर इनपुट आ रही होगी वो जनरेट करके जो है गवर्नमेंट को बता देगा। बट एक चीज फिर भी मुझे नहीं समझ आ रही कि रह गया टोल प्लाजा में ठीक है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट है तो जो पैसे डिडक्ट होंगे ठीक है ना टोल प्लाजा पर जाकर, तो टोल प्लाजा में जैसे अभी देखो अभी QR कोड होते हैं या कुछ ऐसा होता है वो स्कैन होती है फिर उसके बाद आपके पैसे कटते हैं, तो इसमें क्या सिस्टम होता है? इसमें आपका गाड़ी GPS और आपका बैंक अकाउंट ये तीनों इंटरलिंक होगा, ट्रायंगल होगा एक तरह का। किससे? सैटेलाइट से। सैटेलाइट से ना। और सैटेलाइट का कंट्रोल किसके पास होगा? गवर्नमेंट के पास होगा। गवर्नमेंट के पास, तो यही तो कह रही हूँ पहले पूरा सिस्टम बनाया जाएगा ना। मैं खुद कंफ्यूज हूँ बहुत ज्यादा, बट क्योंकि ये नई चीज थी मेरे लिए सीरियसली और मतलब समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, लाइक इट्स लाइक मुझे जो ना मैजिक हो रही है यार दुनिया में। हकीकतन जो है ये एक मैं कहूंगा कि एक बहुत रेवोल्यूशनरी जो है वो टेक्नोलॉजी है क्योंकि अगर देखा जाए अभी यूरोप में और रशिया में जो है आपको जो है ये इस्तेमाल होती जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन इंडिया में भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। नो डाउट जहाँ पे गवर्नमेंट का फायदा है वहाँ पे अगर देखा जाए तो एक आम नागरिक का भी जो है फायदा है। उसकी रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एक बंदा जो है वो चल रहा है 30 किलोमीटर के, अगर वो 30 रुपए दे रहा है तो उसे फायदा 3 किलोमीटर चलेगा तो 3 रुपए देगा। बिल्कुल, मुझे लगता है सबसे बड़ा यही फायदा। दूसरा ये कि जो इतनी लंबी लाइन टोल प्लाजा पर लगी होती थी, फ्यूल का इतना ज्यादा आपका आपके लिए वेस्ट होता था, टाइम की बचत नहीं होती थी, तो मतलब वो सारी चीजें भी तो बहुत ज्यादा कंपनसेट करेंगी ना। बिल्कुल, वो यही तो सारी चीजें ना कि आप देखिए गवर्नमेंट अगर सुविधा दे रही है ना तो गवर्नमेंट को भी जो है उस चीज का जो है फायदा जो है वो
पहुंच रहा है। अब जैसे अक्सर आपको क्लिप्स देखने को मिलते हैं भाई टोल प्लाजा में बड़े रफड़ लोग जो है वो डाल के बैठ जाते हैं, हमारी सरकारी गाड़ी है, मेरा बंदा ये है, मेरी बुड्ढी ये है, तो वो चीजें भी जो है खत्म हो जाएगी। और मैं ये सोच रही थी कि लाइक जैसे वीडियो में बताया गया, और मैं सोच रही थी कि इंडिया में भी ये चीज होती है लाइक जिस तरीके से बताया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो काफी सारी ऐसी वीडियोस सामने आई हैं कि जो थोड़े यू नो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मेरा बंदा ये है, मेरी औरत सरकारी मुलाजिम है, कि आप लोग इतने अमीर होते हो लेकिन यहाँ पर पैसे निकालते हुए आप लोग यार लिटरली मैं खुद हैरान हूँ, तो करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ी आपने रखी हुई है और आप लोग जो है वो 200 रुपए देते हुए लोगों को यार तकलीफ हो रही होती है। मैं कहता हूँ पता नहीं पेट्रोल कैसे डलवा लेते हैं, पेट्रोल पंप वाल में ठोक नहीं देते गाड़ी। बहुत सीरियसली मुझे अजीब से लोग लगते हैं। खैर एनीवे इस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मुझे लगता है कि एक तो डेफिनेटली जो बाकी सारे आपको मतलब मॉनिटरी टर्म में बात करें वो तो फायदे होंगे, लेकिन इससे इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि पोल्यूशन ऑब्वियसली कम होगी और नो डाउट ईवीज भी अब काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको देखने को मिल रही हैं। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी नितिन गडकरी सर के बारे में बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि रेवोल्यूशन लेकर आए हैं इन चीज़ों इसमें में, कोई शक नहीं बेगर एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने में, फिर अगर हम लोग देखें गाड़ियों में चेंज लेकर आने में, लोगों की चॉइसिस जो है उनको चेंज करने में, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इसमें भाई इसमें कोई शक नहीं। मैं एग्री करूँगा कि आप जो है ना रोड मिनिस्टर जो हैं इंडिया के उन्हें अगर देखते हैं तो भाई उन्होंने अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम जो है वो किया। आपको इंडिया की सड़कें जो है वो चेंज होती हुई जो है वो दिखाई दी हैं, आपको नए से नए हाईवेज उनके ऊपर रिकॉर्ड जो है वो आपको बनते दिखाए, और हाईवेज की हमने जो वीडियोस देखी हैं भाई लिटरली आपको जो है वो देखकर मजा आता है। फिर सबसे अच्छी चीज़ जो है उन्होंने इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल जो है वो रखा है। जैसे अगर आप देखें आपको हाइड्रोजन से बनी हुई कार जो है वो आपको, फिर उसके बाद बायोफ्यूल पे जो है आपको दिखती है गाड़ी, फिर उसके बाद अगर किसी नेशनल पार्क से या किसी रिजर्व से जो है अगर वो रोड गुजर रहा है तो उसको इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल, तो मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा एक मैं बात बोलूंगी कि जितना अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है हर सेक्टर में, मुझे लगता है कि जो मतलब AI से रिलेटेड चीज़ें अगर आप देख लो या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, अब जितना आप इसमें स्किल्स लोगे मुझे लगता है आगे उतनी ही अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनेंगी, क्योंकि देखा जाए तो पुराने तरीके जो हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको बाय बाय किया जा रहा है और नई टेक्नोलॉजी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आ रही है। सो मुझे लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी है अब कि अब जो यंग जनरेशन है वो इस चीज़ को मतलब अंडरस्टैंड करे। एनीवे गाइस ओवरऑल मैं कहूँगी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो कि एक बेहतरी लेकर आए, लेकिन अगेन ड्रॉबैक भी उसके हैं। बट जैसे कि वीडियो में ये भी बताया गया कि जर्मनी और रशिया में ऑलरेडी ये यूज़ किया जा रहा है, तो अगर ड्रॉबैक्स हैं तो उनको हैंडल करने के लिए भी आपके पास टैक्टिक्स ज़रूर होंगे। सो मुझे लगता है कि जहाँ पर फायदे होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको उसके ड्रॉबैक्स देखने पड़ते हैं, लेकिन उसको हैंडल कैसे किया जाता है, मैनेज कैसे किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आपका क्या कहना है इसके बारे में कि ये टेक्नोलॉजी जो है उसका कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है? और इसी के साथ मेरे और वीडियो चैनल करें।